फ्री में सब्सक्राइब कीजिए अमित क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अच्छे अच्छे वीडियो पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज अमित कुमार। अमित क्लासेस ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में कैसे मल्टी विंडो का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ आप दो ऐप या तीन ऐप को खोलकर काम कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी इजली। तो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग बॉक्स में जाना है, ठीक है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, स्लाइड करने के बाद एक सेटिंग का आइकन बना हुआ, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एडवांस फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मल्टी विंडो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन है दो, स्प्लिट स्क्रीन व्यू एक्शन, पॉपअप व्यू एक्शन। तो अगर ये दोनों ऑप्शन अगर आपका ऑफ है तो इस तरह से ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑन रहना ज़रूरी है। पहला तरीका, आप अपने गूगल में जाइए, ठीक है। गूगल में जाने के बाद आप जैसे कुछ भी सर्च करते हैं, आप चाहते हैं कि इस नंबर को आप दूसरे विंडो पर टाइप करें, कैसे करेंगे, इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। जैसे मैं मैसेज बॉक्स खोलता हूँ, मुझे सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर वो जो नंबर था उसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखूँगा, अब आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड का जो बटन है उसे पुश करके रखिए। जैसे पुश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो छोटा सा बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा देखिए आप देख सकते हैं कि ये दो विंडो में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी नंबर है उसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दो विंडो इस तरह से अलग अलग पार्ट में खुला हुआ है और एक साथ मैं दो विंडो को ऑपरेट कर पा रहा हूँ। दूसरा तरीका में आप कोई भी अपना एक ऐप को खोल लीजिए, ठीक है। नीचे में लेफ्ट बटन पर एक बार पुश कीजिए। अब पुश करने के बाद ऊपर में जो कलरिंग पार्ट दिख रहा है उस पर अपना फिंगर को रखिए। अब आप यहाँ एक ऑप्शन देख सकते हैं, ड्रॉप हियर फॉर पॉपअप व्यू, यहाँ पर आप इसे ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अब ये अलग विंडो पर आ चुका है, अब आप इसे कहीं भी ड्रैग करके इधर उधर कर सकते हैं और दूसरा भी एक और विंडो को खोल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और खोल लिया हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये फिर भी मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। और अगर आप चाहेंगे तो कोई वीडियो को भी इस तरह से मूव करके इधर उधर रख सकते हैं और आप दूसरे विंडो पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।